पायल रोहतगी, तेरा एक वीडियो आया जिसमें तू बोल रही है कि हम हिंदू राष्ट्र तो बनाकर रहेंगे और ये खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी है। यही छोटी सोच ने आज जो है ना हम हिंदुओं का नाम डुबो के रख दिया कि जहां एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम पूरा राज लें और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस देश के लिए देने वाली जो सिख कौम है उस सिख कौम को हम बोले कि भाई तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं को मिलेगा। दीप सिद्धू के बाद अब दलजीत दोसा को लग रहा है कि वो पंजाब का नेक्स्ट सीएम बन सकता है या इवन कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्योंकि उसकी बुद्धि तो बहुत ही ज्यादा गई गुजरी है। पंजाबी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है और तुम वही दलजीत है जिसकी मूवी जो है ये बॉलीवुड डब करता है हिंदी में और तुम लोग दिखाते हो, तेरा क्या औकात क्या है तेरी? भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भिंडरावाला वो इंसान था, संत भिंडरावाला वो इंसान था जिसको कांग्रेस के लीडर और भारत की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर ने एग्जीक्यूट करवाया अंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि संत भिंडरावाला खालिस्तान की सोच को प्रमोट करता था, जिस सोच को प्रमोट करने के लिए उसने हिंदू सिख रायट्स करवाए 1982। तूने संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरावाले जी की बात की तो एक बात सुन, पूरा गृह मंत्रालय थर थर कांपता था, सारे मंत्री थर थर कांपते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वो शख्सियत थे संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरावाले। अब ये भिंडरावाला के सपोर्ट में ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स हैं आए हैं, भिंडरावाला के स्लोगन्स गा रहे हैं, भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन फार्मर्स को यू नो सपोर्ट कर रहा है दलजीत दोसा। जब 1984 में कांग्रेस की पहली वुमन प्रधानमंत्री ने खालिस्तान की सोच रखने वाले लोगों को ऐसे एग्जीक्यूट कराया, तो आज की तारीख में तो खालिस्तान पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी आप जैसे लोग जो ये सोच रखते हैं, हम आप जैसे लोगों को एक्सपोज करेंगे और आप जैसे धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के। अब तेरे को ढंग से बताएंगे पंजाबियों के साथ, कंगना ने तो एक ट्वीट किया था ना, तुम तो वीडियो डाल दी रे, अभी हम तुम लोगों को बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। कंगना ने आपकी माँ को टारगेट किया, एक्सक्यूज मी, कंगना ने आपकी कोई माँ को टारगेट नहीं किया, कंगना ने एक एजेंडे को टारगेट किया है जिस एजेंडे में बुजुर्ग लेडीज को लाया जाता है मैदान के अंदर, औरतों को लाया जाता है मैदान के अंदर, ये ब्रेन वॉश करके उनको कहकर कि भैया यहाँ तो आपकी भारतीय नागरिकता छीनी जा रही है, सीए बिल में या फार्मर्स बिल में कहा जाता है कि भैया आपके बच्चों का फ्यूचर छीना जा रहा है, आपके खेत छीने जा रहे हैं, आपकी फसल छीनी जा रही है। तो हमारे पंजाब की कंगना रनावत और तुम्हारे जैसे लोग अगर हमारे पंजाब की माता बहनों के लिए बोलेंगे, अभी तुम लोगों ने सिर्फ किसानों के ट्रैक्टर देखे हैं, जिस दिन इनकी गाड़ियां देख ली ना, जो इन्होंने जो है ना भैंसों के साथ गाड़ियां जो अपनी बांधी होती है, जिन ऑडी उडी के चक्कर में तुम लोगों ना, ये किसान है, ये पैसे के लिए नहीं बैठा है यहाँ पर, हक के लिए बैठा है, ये नहीं कि हम बहुत गरीब है, पाँच पाँच दस दस लाख लोगों के लिए इन किसानों ने लंगर जिन्होंने लगा दिए, जो छः महीने का राशन लेकर चले हैं, तुम लोगों को वो गरीब लगते हैं क्या? तेरी तुम लोगों का कल्चर एक्चुअली जो है ना, हम लोगों का कल्चर अलग है। तू 2014 से संग्राम सिंह के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, उससे सगाई की, 9 साल तक तुम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे, अभी शादी की तूने कि नहीं की वो भगवान जाने, में तेरे बारे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है जानने के लिए, किसी दुनिया को भी नहीं है। तू फेमस हुई एक बोल्ड फोटो शूट के लिए, तूने एक बोल्ड फोटो शूट किया, अद्धा नंगा जो अपना बोल्ड फोटो शूट किया ना तूने, तो उस वजह से फेमस हुई, या थोड़ा सा तू बिग बॉस में आ गई तो उसके लिए, तेरी औकात सबने देखी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय माता दी आप सभी को। ये जवाब है पायल रोहतगी के लिए, विशाल नाथ का। पायल रोहतगी, तेरा एक वीडियो आया जिसमें तू बोल रही है कि हम हिंदू राष्ट्र तो बनाकर रहेंगे और ये खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी है। यही छोटी सोच ने आज जो है ना हम हिंदुओं का नाम डुबो के रख दिया कि जहां एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम पूरा राज लें और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस देश के लिए देने वाली जो सिख कौम है उस सिख कौम को हम बोले कि भाई तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं को मिलेगा। तूने संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरावाले जी की बात की तो एक बात सुन, पूरा गृह मंत्रालय थर थर कांपता था, सारे मंत्री थर थर कांपते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वो शख्सियत थे संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरावाले, उन्होंने पंजाब के मुद्दों की बात की। मैं अगर तेरे को अगर थोड़ा सा दिमाग है तो मुझे एक बात को जवाब दे, अगर उन्होंने पानी की बात की कि हमारा पंजाब का पानी जो है मुफ्त में क्यों लोगों को बात जा रहा है, तो क्या गलत बात की?
अगर उन्होंने अच्छे स्कूलिंग की बात की तो क्या गलत बात की अगर उन्होंने बोला कि अमृतसर में भी जो है शराब नशा बिकना बंद हो जाए, और इसमें क्या गलत किया? और तू बात किसकी कर रही है, दलजीत दोसांझ की? वो दलजीत जो सुपरस्टार है पंजाबी इंडस्ट्री का भी और कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी, जिसके पास शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे जो है ना खुद इंटरव्यू करवाने आते हैं कि हमारा इंटरव्यू ले भाई, हमारे को फेमस कर दे, हमारी वीडियो जो है, हमारी फिल्में जो है वो चल पड़े। क्यों? क्योंकि तेरी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि तू हमारे साथ बैठेगा तो तेरे कहने पर लोग हमारी फिल्में देखने जाएगी। वो बॉलीवुड जो दिलजीत के जो है ना भाई के पैरों पर आकर बैठता है, वो तेरी तरह छोटे छोटे रोल नहीं करता है मेरे भाई। वो पता है क्या है, वो पूरी फिल्म करता है। अभी भी उसने जो की तो अक्षय कुमार के साथ की, बड़े बड़े स्टार के साथ करते हैं। वो जज बनता है ना, पंजाबी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। और तुम वही दिलजीत है जिसकी मूवी जो है ये बॉलीवुड डब करता है हिंदी में और तुम लोग दिखाते हो। तेरा क्या औकात क्या है तेरी, और तुझे गुस्सा किस बात का है? तू हमारे पंजाब की कंगना रनावत और तुम्हारे जैसे लोग अगर हमारे पंजाब की माता बहनों के लिए बोलेंगे, अभी तुम लोगों ने सिर्फ किसानों के ट्रैक्टर देखे हैं, जिस दिन इनकी गाड़ियां देख ली ना, जो इन्होंने जो है ना भैंसों के साथ गाड़ियां जो अपनी बांधी होती है, जिन ऑडी उडी के चक्कर में तुम लोग ना, ये किसान है, ये पैसे के लिए नहीं बैठा यहाँ पर, हक के लिए बैठा है। ये नहीं कि हम बहुत गरीब है। अगर पंजाब का किसान गरीब होता ना तो ये पूरी लंगर लगा के रखे 10 रुपये देने गए, 1000 रुपये लुटा के आ रहा है एक किसान। किसी की औकात है? 5-5, 10-10 लाख लोगों के लिए इन किसानों ने लंगर जिन्होंने लगा दिए, जो 6 महीने का राशन लेकर चले हैं, तुम लोगों को वो गरीब लगते हैं क्या? तेरी तुम लोगों का कल्चर एक्चुअली जो है ना, हम लोगों का कल्चर अलग है। तू 2014 से संग्राम सिंह के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, उससे सगाई की, 9 साल तक तुम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे, अभी शादी की तूने कि नहीं की वो भगवान जाने, तेरे बारे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है जानने के लिए, किसी दुनिया को भी नहीं है। तू फेमस हुई एक बोल्ड फोटो शूट के लिए, तूने एक बोल्ड फोटो शूट किया, अद्धा नंगा जो अपना बोल्ड फोटो शूट किया ना तूने, तो उस वजह से फेमस हुई, या थोड़ा सा तू बिग बॉस में 2 सीजन 2 में आ गई तो उसके लिए। तेरी औकात सबने देखी है, लेकिन आज तू देशभक्त बन गई क्योंकि तुम लोग का काम धंधा नहीं है। बात करते हो तुम दिलजीत की, पता नहीं कितनी ऑफरें वो ठुकराता होगा, जाकर देखना इंटरव्यू देखना। और तेरा क्या, कितनी फिल्में की तूने, 2 फिल्म 1 फिल्म, 10-10 मिनट के रोल, 5-5 मिनट के रोल। और तेरा संग्राम सिंह CID में 2 मिनट के रोल के लिए, 2 मिनट के रोल के लिए, तुम्हारी औकात ये है कि तुम जैसे लोग सिर्फ 2 मिनट के रोल के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हो, कितने तलवे चाटते हो। और बात तुम कर रहे हो सुपरस्टार की, उस बंदे के अंदर घमंड नहीं है 1 रुपये का भी, 1 पैसे का घमंड नहीं है उस बंदे के ऊपर। उसने अगर कभी इंटरव्यू दिया तो उसने हमेशा अपनी गरीबी की बात की है, अपने छोटेपन की बात की है, कभी अमीरी की बात नहीं की। अगर तुम लोग को इतना नाम और फेम मिल जाता ना, तुम लोग तो पता नहीं कहाँ होते, तुम्हें खुद को नहीं पता होता तुम्हारे कितने आशिक है, कितने बॉयफ्रेंड आए, कितने बॉयफ्रेंड गए, जो तुम्हारा कल्चर है। कंगना रनावत जो पंजाब की एक माँ के लिए ट्वीट कर रही है कि 100-100 रुपये में आते हैं, वही माँ को ट्वीट कर रही है कि मेरे से 600 रुपये में दिहाड़ी कर ले, करेगी वो क्या? तू भी आ जा उसके साथ। तो बात औकात में रह के करो, पहले अपनी औकात देखो, अपना काम दिखाओ। तुम लोगों ने क्या किया, नंगा फोटोशूट किया, ये तेरी औकात है? या बिग बॉस 2 में हुल्लड़बाजी कर ली और आज तू अपने आप को जो है बहुत बड़ी धर्मात्मा बनी हुई है, बहुत बड़ी जय हिंद बोल रही है तू? ये जो खालिस्तान की बात है ना, ये तुम्हारे दादा पर दादा जो पापा गांधी थे ना और चाचा नेहरू थे, उन्होंने सिखों को लॉलीपॉप दिया था अलग देश का। अगर तू एतराज है तो बांग्लादेश पर भी एतराज करना, बांग्लादेश क्यों 1971 में बना? बात सिर्फ पंजाब की आ जाती है। और मैं पंजाब के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं पंजाबियों की, सबसे पहले तो सतगुरु तो बहुत बड़ी बात है ना, वो तो पूरी दुनिया नहीं जो है, तो सिर्फ जो पंजाबियों की जो कुर्बानियाँ हुई है, ये जलियांवाला बाग यहाँ पर बना था, अमृतसर में जलियांवाला बाग बना था, बॉम्बे में नहीं बना। बंटवारा पंजाब का हुआ था, बॉम्बे का बंटवारा नहीं हुआ, तुम्हारे महाराष्ट्र का बंटवारा नहीं हुआ, पंजाब का हुआ था। और आज भी देख तेरी फिल्म इंडस्ट्री में कितने पंजाबी है, कपिल शर्मा ही ले ले, ज़्यादा दूर का को जाना। तू अगर उसके शो में भी इंटरव्यू करके दिखा दे ना, तो भाई तू जो बोलेगी हम करेंगे। तेरी औकात उस शो तक में जाने की नहीं है। और दलजीत जैसे भाई जो है ना, उनको पता नहीं कितनी बार बुला चुके हैं और भीड़ उमड़ उमड़ के आती है, TRP हाई हो जाती है जब दलजीत दोसांझ जो है ना
वो किसी शो में जाता है, तुझे मिर्चे क्या लग रही है, किसी की माँ के लिए बोला जा रहा है, तुझे साथ देना चाहिए था कि भाई किसी की माँ के लिए गलत बोला गया है। जो किसान लाखों रुपए के लंगर, दिन में लाखों रुपए जो किसान लंगरों में डाल रहे हैं, है ना, लोगों के लिए डाल रहे हैं, जो लाखों रुपए के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तेरे को क्या लग रहा है वो 100-100 रुपए के लिए आएंगे क्या? दो बूढ़े लोगों का देख लिया, शाहीनबाग का मुद्दा, फिर से तुम लोगों को क्या लेना शाहीनबाग से? मुस्लिम लोग लड़ रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तेरे काय को खुजली हो रही है? लेकिन तुझे हिंदू राष्ट्र की जब तुम लोग बात करते हो, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तब बनेगा जब लाखों हजारों लोगों की जान जाएगी, कोई चुप नहीं बैठने वाला। ये मोदी ने जो हिंदू राष्ट्र की बात की है ना, बस मैं मानता हूं कि हम हिंदुओं का लाखों साल से जो है हमारा राज रहा है, अंत तक रहा है। हमने बहुत रियासतें जो है, हमने तो खैर हम अपने हमारे समाज के लोग ने पता नहीं कितनी रियासतें, कितनी सड़कें दान की, ये भारत तब बना। लेकिन इस भारत को जीत दिलाने के लिए, इस भारत को आज़ाद बनाने के लिए, हालांकि भारत आज़ाद नहीं हुआ है, भारत लीज पर मिला हुआ है। ये जाओ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, ये लीज पर मिला हुआ है, और इस लीज पे मिले हुए पे इस पे आज तक ये पता नहीं चला है कि भारत और इंडिया दो जो है, ये ईस्ट इंडिया ने हमारे को इंडियन नाम दिया हुआ है, इस भारत का इंडिया नाम दिया गया है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये लीज पर मिला हुआ है। बात करें हिंदू राष्ट्र की, सबसे पहले ये है कि भारत के नाम के क्या है, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरवेज, इंडियन होटल, हम लोगों को इंडियन बुलाया जाता है। किसी देश के कभी दो नाम तुम लोगों ने सुने हैं कि दो नाम हो? इस भारत के दो नाम हैं, एक अंग्रेजों का दिया हुआ और एक हमारे पूर्वजों का दिया हुआ। तो फालतू में ये फालतूगिरी नहीं करनी है, माँ बहन की रिस्पेक्ट होती है, अपना गंदा कल्चर, तुम्हारा लिविंग रिलेशनशिप का जो चलता है कॉम्प्रोमाइज, ये सब कुछ इंडस्ट्री में चलते हैं, वो हमारे पंजाब में नहीं चलता है, ठीक है ना। और जितना तू जिंदगी भर में अभी तक कमाया होगा ना, तूने जितना पैसा कमाया होगा आज तक तो खैर तेरी एक यूट्यूब पर ही और फेसबुक पर ही पेज पे जो कमाई है, जो तेरी थोड़ी बहुत कमाई है, जो तू कंगना की चाट रही है ना, तो ढंग से चाट, जिसकी चाटनी है तूने कितनी चाटी रे। तेरे को 10-10 मिनट के रोल मिले, तेरे जो है बॉयफ्रेंड पति जो है उसको 5-5 मिनट का रोल मिला। तू विजेंद्र सिंह की बात कर रही है, विजेंद्र सिंह जो है वो DSP है हरियाणा पुलिस से, पहले वो DSP था, रूडीज जैसा शो उसने जज किया और भी उसको शोज में बुलाया गया, और वो बंदा भारत के लिए सिल्वर गोल्ड मेडल लेकर आया है। पूछिए कि लाया है कि नहीं लेकर आया, अपने पति को देख ले, बिग बॉस में था वो संग्राम सिंह, अपने आप को रेसलर बनता है, 3 मिनट पैर के बाहर पे खड़ा नहीं हुआ, 3 मिनट में गिर गया था, ये उसकी औकात थी। तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी औरत के बारे में बोलना, लेकिन पता है क्या, माँ बहन की एक रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट को कायम रखो, तुम लोग उस पर टिप्पणी मत करो। दिलजीत दोसांझ ने जो किया बिल्कुल सही जवाब दिया कंगना को, तेरे क्या लग रही है, तुझे क्या खुजली लग रही है? कंगना तेरी माँ लगती है क्या? अपने वीडियो में लाइक्स देख ले और डिसलाइक देख ले, 10,000 डिसलाइक है और मुश्किल से 4,000 लाइक है, तेरी औकात वहीं पर पता लग गई है। अभी तेरे को ढंग से बताएंगे पंजाबियों के साथ, कंगना ने तो एक ट्वीट किया था ना, तुमने तो वीडियो डाल दी रे, अभी हम तुम लोगों को बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। जय माता दी। पायल रोथ की तेरा एक वीडियो आया जिसमें तू बोल रही है कि हम हिंदू राष्ट्र तो बनाकर रहेंगे और ये खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी है। यही छोटी सोच ने आज जो है ना हम हिंदुओं का नाम डुबो के रख दिया, कि जहां एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम पूरा राज लें और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस देश के लिए देने वाली जो सिख कौम है, उस सिख कौम को हम बोले कि भाई तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं को मिलेगा। तूने संत जरनैल सिंह जी, बाबा खालसा भिंडरांवाले जी की बात की तो एक बात सुन, पूरा गृह मंत्रालय थर थर कांपता था, सारे मंत्री थर थर कांपते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वो शख्सियत थे संत जरनैल सिंह जी, बाबा खालसा भिंडरांवाले। उन्होंने पंजाब के मुद्दों की बात की। मैं अगर तेरे को अगर थोड़ा सा दिमाग है तो मुझे एक बात को जवाब दे, अगर उन्होंने पानी की बात की कि हमारा पंजाब का पानी जो है मुफ्त में क्यों लोगों के पास जा रहा है, तो क्या गलत बात की? अगर उन्होंने अच्छे स्कूलिंग की बात की तो क्या गलत बात की? अगर उन्होंने बोला कि अमृतसर में भी जो है शराब नशा बिकना बंद हो जाए, और इसमें क्या गलत किया? और तू बात किसकी कर रही है, दलजीत दोसांझ की? वो दलजीत जो सुपरस्टार है पंजाबी इंडस्ट्री का भी और कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी, जिसके पास शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे जो है ना खुद इंटरव्यू करवाने आते हैं कि हमारा इंटरव्यू ले भाई, हमारे को फेमस कर दे, हमारी वीडियो जो है, हमारी फिल्में जो है वो चल पड़े,
क्यों? क्योंकि तेरी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि तू हमारे साथ बैठेगा तो तेरे कहने पर लोग हमारी फिल्में देखने जाएगी। वो बॉलीवुड जो दिलजीत के जो है ना भाई के पैरों पर आकर बैठता है, वो तेरी तरह छोटे छोटे रोल नहीं करता मेरे भाई। वो पता है क्या है, वो पूरी फिल्म करता है। अभी भी उसने जो की तो अक्षय कुमार के साथ की, बड़े बड़े स्टार के साथ करते हैं। वो जज बनता है ना, पंजाबी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। और तुम वही दिलजीत है जिसकी मूवी जो है ये बॉलीवुड डब करता है हिंदी में और तुम लोग दिखाते हो। तेरा क्या औकात क्या है तेरी, और तुझे गुस्सा किस बात का है? तू हमारे पंजाब की कंगना रनावत और तुम्हारे जैसे लोग अगर हमारे पंजाब की माता बहनों के लिए बोलेंगे। अभी तुम लोगों ने सिर्फ किसानों के ट्रैक्टर देखे हैं, जिस दिन इनकी गाड़ियां देख ली ना, जो इन्होंने जो है ना भैंसों के साथ गाड़ियां जो अपनी बांधी होती है, जिन ऑडी उडी के चक्कर में तुम लोग है ना, ये किसान है, ये पैसे के लिए नहीं बैठा है यहाँ पर, हक के लिए बैठा है। ये नहीं कि हम बहुत गरीब है। अगर पंजाब का किसान गरीब होता ना तो ये पूरी लंगर लगा के रखे है, 10 रुपये देने गए, 1000 रुपये लुटा के आ रहा है एक किसान। किसी की औकात है? 5-5, 10-10 लाख लोगों के लिए इन किसानों ने लंगर जिन्होंने लगा दिए, जो 6 महीने का राशन लेकर चले हैं, तुम लोगों को वो गरीब लगते हैं क्या? तेरी तुम लोगों का कल्चर एक्चुअली जो है ना, हम लोगों का कल्चर अलग है। तू 2014 से संग्राम सिंह के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, उससे सगाई की, 9 साल तक तुम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे। अभी शादी की तूने की नहीं की, वो भगवान जाने, में तेरे बारे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है जानने के लिए, किसी दुनिया को भी नहीं है। तू फेमस हुई एक बोल्ड फोटो शूट के लिए, तूने एक बोल्ड फोटो शूट किया, अद्धा नंगा जो अपना बोल्ड फोटो शूट किया ना तूने, तो उस वजह से फेमस हुई। या थोड़ा सा तू बिग बॉस में 2 सीजन 2 में आ गई तो उसके लिए। तेरी औकात सबने देखी है, लेकिन आज तू देशभक्त बन गई क्योंकि तुम लोग का काम धंधा नहीं है। बात करते हो तुम दिलजीत की, पता नहीं कितनी ऑफरें वो ठुकराता होगा, जाकर देखना इंटरव्यू देखना। और तेरा क्या, कितनी फिल्में की तूने? 2 फिल्म 1 फिल्म, 10-10 मिनट के रोल, 5-5 मिनट के रोल। और तेरा संग्राम सिंह CID में 2 मिनट के रोल के लिए, 2 मिनट के रोल के लिए। तुम्हारी औकात ये है कि तुम जैसे लोग सिर्फ 2 मिनट के रोल के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हो, कितने तलवे चाटते हो। और बात तुम कर रहे हो सुपरस्टार की, उस बंदे के अंदर घमंड नहीं है 1 रुपये का भी, 1 पैसे का घमंड नहीं है उस बंदे के ऊपर। उसने अगर कभी इंटरव्यू दिया तो उसने हमेशा अपनी गरीबी की बात की है, अपने छोटेपन की बात की है, कभी अमीरी की बात नहीं की। अगर तुम लोग को इतना नाम और फेम मिल जाता ना, तुम लोग तो पता नहीं कहाँ होते। तुम्हें खुद को नहीं पता होता तुम्हारे कितने आशिक है, कितने बॉयफ्रेंड आए, कितने बॉयफ्रेंड गए, जो तुम्हारा कल्चर है। कंगना रनावत जो पंजाब की एक माँ के लिए ट्वीट कर रही है कि 100-100 रुपये में आते हैं, वही माँ को ट्वीट कर रही है कि मेरे से 600 रुपये में दिहाड़ी कर ले, करेगी वो क्या? तू भी आ जा उसके साथ। तो बात औकात में रह के करो, पहले अपनी औकात देखो, अपना काम दिखाओ। तुम लोगों ने क्या किया? नंगा फोटोशूट किया, ये तेरी औकात है? या बिग बॉस 2 में हुल्लड़बाजी कर ली और आज तू अपने आप को जो है बहुत बड़ी धर्मात्मा बनी हुई है, बहुत बड़ी जय हिंद बोल रही है तू? ये जो खालिस्तान की बात है ना, ये तुम्हारे दादा पर दादा जो पापा गांधी थे ना और चाचा नेहरू थे, उन्होंने सिखों को लॉलीपॉप दिया था अलग देश का। अगर तू एतराज है तो बांग्लादेश पर भी एतराज करना, बांग्लादेश क्यों 1971 में बना? बात सिर्फ पंजाब की आ जाती है। और मैं पंजाब के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं पंजाबियों की, सबसे पहले तो सतगुरु तो बहुत बड़ी बात है ना, वो तो पूरी दुनिया नहीं जो है, तो सिर्फ जो पंजाबियों की जो कुर्बानियाँ हुई है, ये जलियांवाला बाग यहाँ पर बना था, अमृतसर में जलियांवाला बाग बना था, बॉम्बे में नहीं बना। बंटवारा पंजाब का हुआ था, बॉम्बे का बंटवारा नहीं हुआ, तुम्हारे महाराष्ट्र का बंटवारा नहीं हुआ, पंजाब का हुआ था। और आज भी देख तेरी फिल्म इंडस्ट्री में कितने पंजाबी है, कपिल शर्मा ही ले ले, ज़्यादा दूर का को जाना। तू अगर उसके शो में भी इंटरव्यू करके दिखा देना तो भाई तू जो बोलेगी हम करेंगे। तेरी औकात उस शो तक में जाने की नहीं है। और दिलजीत जैसे भाई जो है ना, उनको पता नहीं कितनी बार बुला चुके हैं और भीड़ उमड़ उमड़ के आती है, TRP हाई हो जाती है जब दिलजीत जोसान जो है ना वो किसी शो में जाता है। तुझे मिर्चे क्या लग रही है? किसी की माँ के लिए बोला जा रहा है, तुझे साथ देना चाहिए था कि भाई किसी की माँ के लिए गलत बोला गया है। जो किसान लाखों रुपए के लंगर, दिन में लाखों रुपए जो किसान लंगरों में डाल रहे हैं, है ना, लोगों के लिए डाल रहे हैं, जो लाखों रुपए के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तेरे को क्या लग रहा है वो 100-100 रुपए के लिए आएंगे क्या? 2 बूढ़े लोगों का देख लिया शाहीनबाग, शाहीनबाग का मुद्दा फिर से तुम लोगों को क्या लेना शाहीनबाग से? मुस्लिम लोग लड़ रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तेरे कह को खुजली हो रही है।
लेकिन तुझे हिंदू राष्ट्र की जब तुम लोग बात करते हो, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तब बनेगा जब लाखों हजारों लोगों की जान जाएगी। कोई चुप नहीं बैठने वाला। ये मोदी ने जो हिंदू राष्ट्र की बात की है ना, बस मैं मानता हूं कि हम हिंदुओं का लाखों साल से जो है हमारा राज रहा है, अंत तक रहा है। हमने बहुत रियासतें जो है, हमने तो खैर हम अपने हमारे समाज के लोग ने पता नहीं कितनी रियासतें, कितनी सड़कें दान की। ये भारत तब बना, लेकिन इस भारत को जीत दिलाने के लिए, इस भारत को आज़ाद बनाने के लिए, हालांकि भारत आज़ाद नहीं हुआ है, भारत लीज पर मिला हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा टापू है। जाओ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, ये लीज पर मिला हुआ है और इस लीज पे मिले हुए पे इस पे आज तक ये पता नहीं चला है कि भारत और इंडिया दो जो है, ये ईस्ट इंडिया ने हमारे को इंडियन नाम दिया हुआ है। इस भारत का इंडिया नाम दिया गया है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये लीज पर मिला हुआ है। बात करें हिंदू राष्ट्र की, सबसे पहले ये है कि भारत के नाम के क्या है, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरवेज, इंडियन होटल। हम लोगों को इंडियन बुलाया जाता है। किसी देश के कभी दो नाम तुम लोगों ने सुने हैं कि दो नाम हो? इस भारत के दो नाम हैं, एक अंग्रेजों का दिया हुआ और एक हमारे पूर्वजों का दिया हुआ। तो फालतू में ये फालतूगिरी नहीं करनी है। माँ बहन की रिस्पेक्ट होती है, अपना गंदा कल्चर, तुम्हारा लिविंग रिलेशनशिप का जो चलता है कॉम्प्रोमाइज़, ये सब कुछ इंडस्ट्री में चलते हैं, वो हमारे पंजाब में नहीं चलता है, ठीक है ना। और जितना तू जिंदगी भर में अभी तक कमाया होगा ना, तूने जितना पैसा कमाया होगा आज तक तो खैर तेरी एक यूट्यूब पर ही और फेसबुक पर ही पेज पे जो कमाई है, जो तेरी थोड़ी बहुत कमाई है, जो तू कंगना की चाट रही है ना, तो ढंग से चाट, जिसकी चाटनी है तूने कितनी चाटी रे। तेरे को 10-10 मिनट के रोल मिले, तेरे जो है बॉयफ्रेंड पति जो है उसको 5-5 मिनट का रोल मिला। तू विजेंद्र सिंह की बात कर रही है, विजेंद्र सिंह जो है वो DSP है हरियाणा पुलिस से, पहले वो DSP था। रूडीज जैसा शो उसने जज किया और भी उसको शोज में बुलाया गया और वो बंदा भारत के लिए सिल्वर गोल्ड मेडल लेकर आया है। कि पूछिए कि लाया है कि नहीं लेकर आया? अपने पति को देख ले, बिग बॉस में था वो संग्राम सिंह, अपने आप को रेसलर बनता है, 3 मिनट पैर के भार पे खड़ा नहीं हुआ, 3 मिनट पे गिर गया था, ये उसकी औकात थी। तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी औरत के बारे में बोलना, लेकिन पता है क्या, माँ बहन की एक रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट को कायम रखो तुम लोग, उस पर टिप्पणी मत करो। दिलजीत दोसांझ ने जो किया बिल्कुल सही जवाब दिया कंगना को। तेरे क्या लग रही है, तुझे क्या खुजली लग रही है कंगना? तेरी माँ लगती है क्या? अपने वीडियो में लाइक्स देख ले और डिसलाइक देख ले, 10,000 डिसलाइक है और मुश्किल से 4,000 लाइक है, तेरी औकात वहीं पर पता लग गई है। अभी तेरे को ढंग से बताएंगे पंजाबियों के साथ। कंगना ने तो एक ट्वीट किया था ना, तुमने तो वीडियो डाल दी रे। अभी हम तुम लोगों को बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। जय माता दी। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशंस वास्ते बैल नूं रिंग करो।